नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर में। अभी तक हम राजस्थान की क्यूज जो आपने देखा है, लोक देवता लोक देविया, और आज की राजस्थान की जो क्यूज है वन लाइनर क्वेश्चन, जिस तरह के राजस्थान के वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें किसान आंदोलन। आज की हमारा क्यूज का जो विषय है वो है किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन जो राजस्थान में हुए, अनेक प्रकार के किसान आंदोलन हुए, और उसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन के। तो आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन को फोकस में रख करके हमारे अधिकतर क्वेश्चन बिजोलिया आंदोलन के रहेंगे। राजस्थान में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, नीमू चढ़ा आंदोलन, अलवर का किसान आंदोलन, बेगुगा आंदोलन, इस तरह से बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं। और इसमें अभी तक का जो सबसे बड़ा भारत का व्यापक जो किसान आंदोलन है वो है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर के, और ये हमारा 1941 तक चला, 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे बड़ा जो व्यापक आंदोलन है वो हमारा है बिजोलिया किसान आंदोलन। आइए देखते हैं हम किस आंदोलन के लिए कहा जाता है कि इसका आगाज उत्साहपूर्ण था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ। तो वो जो आंदोलन है वो आंदोलन है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला सवाल है हमारा, देश का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? तो देश का जो प्रथम किसान आंदोलन है वो है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला सवाल है हमारा, किसान आंदोलन जो लगातार 44 वर्षों तक चला, जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा भारत का जो सबसे बड़ा व्यापक किसान आंदोलन था वो हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो कि 44 वर्षों तक चला। बिजोलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो किसने की शुरुआत? वो की हमारे साधु सीताराम दास जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक है वो किसको माना जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक है वो विजय सिंह पथिक को माना जाता है। यही इसके नेतृत्वकर्ता कर्णधार थे, इन्होंने योजनाकार थे, इन्होंने योजना बनाई किस तरह से ये आंदोलन आगे चलना चाहिए, इसलिए इनको इसका जनक कहा जाता है। 1903 में चबरी कर लगाया गया, चबरी टैक्स जो था वो पुत्री विवाह पर था, और ये हमारे राव कृष्ण सिंह थे, उन्होंने चबरी कर लगाया। अगला सवाल है हमारा, राव कृष्ण के समय बिजोलिया में कितने प्रकार के लगान चुकाने पड़ते थे? बहुत सारे किसान आंदोलन में इस तरह के बहुत सारे टैक्स थे वो लगाने पड़ते थे, जो इस तरह से लगान के रूप में इनको माना जाता था, जो लोग वहाँ के जो लोग होते थे वो चुकाते थे उसको। तो ऐसे 84 प्रकार के टैक्स थे, 84 प्रकार की ये लगान थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन में राव कृष्ण के समय चुकाने पड़ते थे। अगला सवाल है हमारा, तलवार बंधाई टैक्स किसानों से किसने वसूला? तलवार बंधाई क्या है? एक उत्तराधिकार के रूप में लिए जाने वाला ये शुल्क है, जो कि राव पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया था, उनके द्वारा ये वसूला जाता था। लाटा कूता लगान पद्धति किस आंदोलन की है? तो लाटा कूता जो लगान पद्धति है वो हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन की है। अगला सवाल है हमारा कि विजय सिंह पथिक ने किस चीज की स्थापना की? तो विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल जो पंच बोर्ड था उसकी इन्होंने स्थापना की। आगे चलते हैं हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी किस समाचार पत्र ने बनाया? एक ऐसा समाचार पत्र था जिसको बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसको राष्ट्रव्यापी बनाया। किसी भी समाचार पत्र की या मीडिया की भूमिका होती है कि देश के अंदर जो भी चल रहा है, किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, तो वो समाचार पत्र और मीडिया के बिना व्यापक नहीं हो सकता है। तो ऐसा जो समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी हैं उन्होंने इसका संपादन किया, तो प्रताप नाम का ये समाचार साप्ताहिक पत्र था जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन को इसने राष्ट्रव्यापी बनाया। अगला सवाल है हमारा, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो राघवाचार्य जी थे वो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। सर्वाधिक किस जाति के किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ऐसे जो सर्वाधिक जाति के जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे, जो इस आंदोलन से
जुड़े हुए थे। अगला सवाल है हमारा कि विजय सिंह पति का समाचार पत्र, इससे पहले हमने पढ़ा कि गणेश शंकर विद्यार्थी थे जिन्होंने राष्ट्रव्यापी इस बिजोली आंदोलन को बनाया, तो वो साप्ताहिक हमारी पत्रिका प्रताप थी, और विजय सिंह पथिक थे जिन्होंने समाचार पत्र लिखा, वो था नवीन राजस्थान। कौन सा था? नवीन राजस्थान। इसने भी इस आंदोलन को व्यापक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा अगला सवाल है, जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस आंदोलन की जांच की? जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य जो थे उन्होंने बिजोले किसान आंदोलन की जांच की। अगला सवाल है हमारा, रूपा जी कृपा जी धाकड़ किस आंदोलन से संबंधित है? तो बेंगू किसान आंदोलन जो था ये हमारे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बेंगू किसान आंदोलन, इसमें रूपा जी कृष्णा जी जो धाकड़ थे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। हमारा आज का जो लास्ट अंतिम सवाल जो है वो है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किस किसने किया? तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अभी तक हमने जो व्यापक किसान आंदोलन जो रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके बारे में अध्ययन किया। आगे और भी हम इस तरह के किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।